तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन फंक्शन के जो प्रकार हैं उनके समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर में क्या डिफरेंस है, तो जो डिटेल्स है वो हम धीरे धीरे करके आप बच्चों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन की। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जब आप किसी भी प्रोडक्शन को करते हो तो आपको अनेक प्रकार के फैक्टर चाहिए होते हैं। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। इन सभी फैक्टरों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो इनसे मिलता है यानी कि ये इनपुट हो गया एक तरीके का, और जो मिलता है वो आउटपुट होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है। देखिए मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन सुविधा के लिए हम यहाँ पे केवल दो ही फैक्टर मान के चल रहे हैं, लेबर और कैपिटल। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लेबर जो है, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखता हूं कि 2L एंड 4K इक्वल टू 100, इसका मतलब है कि दो लेबर और चार कैपिटल मिलकर 100 गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। कई बार बच्चों इसके ऊपर पावर लिखी होती है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 0.25 और ये लिखा है 0.75। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रोल है प्रोडक्शन में वो 0.25% है और इसका रोल है वो 0.75। एक तरीके से ये मैग्नीट्यूड को बताता है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि बच्चों हम देखिए दो फैक्टर हमने माने, सिंपल मानने के लिए मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, दो फैक्टर हमने माने, लैंड और कैपिटल, लेबर और कैपिटल। तो अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में केवल और केवल हम लेबर को बढ़ाते हैं, कैपिटल को हम फिक्स रखते हैं, यानी कि कम से कम एक साधन को बढ़ाते हैं, एक फैक्टर को बढ़ाते हैं, बाकी के सारे फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। और उससे जो प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ा इसको जानना ही हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी बढ़ाते हैं। देखिए एक इकोनॉमी में अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन का स्केल का मतलब है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए कई बार आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता, आपको सडनली प्रोडक्शन बढ़ाना है। मान लीजिए कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत बढ़ गई। अब ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा नहीं है कि उसको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जब इमरजेंसी आ गई तो आप उसे एकदम से तो नहीं बना सकते, तो आप क्या कर सकते हो, केवल लेबर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्लांट को तो बढ़ा कर नहीं सकते। तो अगर आप केवल और केवल लेबर को बढ़ा करते हो और उससे प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर आप लेबर, कैपिटल या बाकी के जितने भी फैक्टर हैं सब किसी को बढ़ा देते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने एक अंतर भी कराया, आप वो भी देख लीजिए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स फिक्स, ठीक है, यानी कम से कम एक फैक्टर फिक्स रहना चाहिए इन रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी कि रिटर्न टू फैक्टर में, इसको रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए, जबकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कोई फैक्टर फिक्स हो, सारे के सारे फैक्टर का वेरिएबल होना जरूरी है। इसके अलावा दिस लॉ अप्लाइज इन द शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो आप सभी फैक्टरों को बढ़ा सकते हो, केवल शॉर्ट रन ही ऐसा होता है जिसको आप सभी फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते। और दिस लॉ अप्लाई इन लॉन्ग रन, ये अप्लाई करता है केवल लॉन्ग रन के अंदर। द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर चेंज, यानी कि इसके अंदर जो प्रोपोर्शन है फैक्टर्स के बीच का वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एक लेबर और एक कैपिटल काम कर रहे हैं तो जो रेशियो है 1:1 का है, अगर दो लेबर और एक कैपिटल काम करेगा तो जो रेशियो होगा वो 1:2 का हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमारा फैक्टर के बीच का जो रेशो है वो बदल जाता है, जबकि इसके अंदर फैक्टर के बीच का रेशो नहीं बदलता। दिस स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, यानी कि इसके अंदर प्रोडक्शन का जो स्केल है वो नहीं बदलता, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बदल जाता है।
इसके जो तीन स्टेज में जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है, जबकि इसकी तीन स्टेज में प्रोडक्शन नहीं गिरता, मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं गिरता, प्रोडक्शन के बढ़ने की स्पीड गिरती है, और अगर आप लेबर को बढ़ाते चले जाओगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो बच्चों बेसिक बेसिक बातें अभी आपको बताई हैं, ये बातें तो आपको 12th क्लास CBSE बोर्ड में भी आपको मिल जाएंगी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। यहाँ पे कुछ और बातें आप देख लीजिए, एक शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। देखिए कोई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का टाइम डायमेंशन नहीं है। किसी ने अगर मान लीजिए बनाना है शर्ट, तो शर्ट बनाने के लिए एक हफ्ते का समय लॉन्ग रन है, जबकि जहाज बनाने के लिए एक हफ्ते का समय तो शॉर्ट रन माना जाएगा। तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप शर्ट बनाने के एक महीने का मतलब है शॉर्ट रन। हो सकता है किसी को पानी का जहाज बनाना हो, बड़ा शिप बनाना हो, उसमें एक साल का समय भी बहुत थोड़ा समय है। मान लीजिए बुलेट ट्रेन बनाने के लिए एक महीने का समय बहुत थोड़ा समय माना जाएगा। तो टाइम डायमेंशन नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप केवल वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज कर पाते हो, तो वो कहलाता है शॉर्ट रन। और अगर आप ऑल फैक्टर को बदल सकते हो, सारे के सारे फैक्टर को बदल सकते हो, तो वो कहलाता है लॉन्ग रन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को क्लासिफाई कर सकते हो शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट है वो शॉर्ट रन में तो चलता है, लॉन्ग रन में ये कंसेप्ट नहीं चलता। डिफरेंस की बात करें कि आखिरकार क्या डिफरेंस होता है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर में, तो बच्चों फिक्स वेरिएबल फैक्टर हम समझ चुके हैं ये शॉर्ट रन में चेंज हो जाता है, और जो फिक्स फैक्टर है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता। फिक्स फैक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे लेबर हो गया, सॉरी जैसे मान लीजिए परमानेंट लेबर हो गया, या प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब नहीं चेंज होती लॉन्ग रन में। वेरिएबल फैक्टर क्या है, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, तो ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं, पावर है, फ्यूल है, ये सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। तो बच्चों फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कंसेप्ट समझने के बाद हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी आप एक बार समझ लीजिए, जिससे कि आपको जब हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आपके सारे का सारा कंसेप्ट आपके काम आने वाला है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए तीन तरीके के प्रोडक्शन है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला होता है टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन है, मान लीजिए लेबर और कैपिटल दोनों को कॉम्बिनेशन करने से जो आपका आउटपुट हुआ वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन। मान लीजिए लेबर थे दो और कैपिटल थी एक, इन्होंने मिलके 100 शर्ट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये हमारा हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कैपिटल तो हमारी फिक्स रही, लेकिन एक और लेबर बढ़ गया, इससे जो प्रोडक्शन हो गया वो हो गया मान लीजिए 120, तो ये कहलाएगा हमारा टोटल प्रोडक्शन। बात करें बच्चों एवरेज प्रोडक्शन की, तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है कि लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है पर यूनिट, तो आप इसको लेबर या एन से डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब 100 शर्ट दो लेबर बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है कितनी प्रोडक्टिविटी है कहलाएगी बच्चों 50 की कहलाएगी, यानी कि पर लेबर 50 शर्ट बना रहा है। और यहां पे देखिए तीन लेबर मिलके 120 शर्ट बना रहे हैं, इसका मतलब एक लेबर जो है वो 40 शर्ट बना रहा है। कैसे पता किया, इस जगह के लिए 100 में से 2 को डिवाइड कर दिया और यहां पे 120 को 3 से डिवाइड कर दिया, लेबर से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से बच्चों एमपी होता है, एमपी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया है। अब यहां तो पता कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पता नहीं है, लेकिन यहां पर जो चेंज आया है वो कहलाता है हमारा 20 का। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा, आप एक चीज और याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट की टेंडेंसी इस तरीके की होती है, आप मिस इसको याद रख लीजिएगा बच्चों, इस तरीके की टेंडेंसी होती है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, इस तरीके की टेंडेंसी का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कैपिटल को फिक्स रखते हो और केवल लेबर को बढ़ाते हो, तो शुरू शुरू में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, एडिशनल है, एडिशनल प्रोडक्टिविटी वो राइज करेगी, बढ़ेगी, एक समय पे मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद गिरना शुरू कर देगी, और अगर आपने ज़्यादा ही लेबर बढ़ाना किया तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी, आप एमपी याद रखिएगा,
इसके अलावा अगली वीडियो से हम आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, जिसमें हम आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से संबंधित सारे के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे, वहाँ पर इस एमपी का बड़ा रोल होगा, क्योंकि मैं आपको टेबल बना के सिखाऊंगा, टेप डायग्राम बना के सिखाऊंगा। तो इसलिए आप एमपी का कंसेप्ट याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी, और ये किस प्रकार से बनती है, इस तरीके से बनती है, यानी कि पहले ये बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर गिरना शुरू कर देगी, और एक समय के बाद ये नेगेटिव हो जाती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो इस वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। तो बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है, जिसमें हमने आपको टीपी एपी एमपी के बारे में बताया था, आप उस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम एमपी के बारे में आपको समझा रहे हैं, और लास्ट क्लास में भी हमने आपको समझाया था कि एमपी की टेंडेंसी इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन में लागू होता है, और शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, केवल लेबर को बढ़ा सकते हैं, हम केवल लेबर को बढ़ा सकते हैं अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जबकि हमारी जो फिक्स कैपिटल है वो हमारी फिक्स रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लेबर को बढ़ाया, कैपिटल फिक्स रही है, इससे क्या होता है कि जो लेबर और कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो बदल जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेशो था वो था कैपिटल आउटपुट, कैपिटल लेबर रेशो की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो अगर हम के अपॉन एल बोल देते हैं तो यहाँ पे 1/1 था। याद में यहाँ पे कैपिटल आउटपुट, कैपिटल लेबर रेशो घट गया है। इसका मतलब जैसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को फिक्स रख रहे हैं और लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा कैपिटल लेबर रेशियो है वो घटता चला जा रहा है, यानी कि अब कंपैरेटिवली एक कैपिटल पे कम लेबर काम कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। अब इस पर असर क्या पड़ेगा बच्चों, देखिए शुरू शुरू में क्या होगा, जब लेबर का, जब हमारी ये मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मान लीजिए ये वाली जो लगे है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए ये मैं लाइन डाल दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये नहीं है, सॉरी ये इसका मतलब है कि आपका जो मशीन है उसको आप, जब आप लेबर को बढ़ाओगे और मशीन अंडर यूटिलाइज है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5 है, यानी कि एक लेबर जो है वो 5 शर्ट बना रहा है, यहाँ पे अगला जो लेबर है वो 10 शर्ट बना रहा है, अगला जो लेबर है वो 15 शर्ट बना रहा है। जैसे जैसे आप अपने लेबर को बढ़ाते हो, यहाँ देखिए ये छठे अंक पर आते आते, इस पॉइंट पर आते आते आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपकी जो एमपी है वो लगातार घट रही है, और यहाँ पे आते आते ज़ीरो हो गई, और यहाँ पे आके -5 हो गई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक अलग से लाइन लेता हूँ, देखिए मैंने अलग से टेबल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये ज़्यादा आसान अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक हमारा है कैपिटल और एक हमारा लेबर है, कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, सॉरी कैपिटल फिक्स रहती है, कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, और केवल आप लेबर को बढ़ा पाते हो, तो शुरू शुरू में क्या होता है, आपकी जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो इंक्रीज करेगी, यानी कि पहले मान लीजिए 5 है तो 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि वो फॉल करेगी 10, 5, 0, -5 और -10। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, तो हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा एमपी यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसको हम ऐड कर देंगे। हालांकि इसको हम केवल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कह रहे हैं, इसका मतलब है एडिशनल लेबर लगाने से कितना हमारा आउटपुट बना, तो यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कि इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 5 कहलाएगा, ये 15 कहलाएगा। हालांकि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये लेबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने लिख लिया है 15, 30, 40, ऐड कर रहे हैं बेटा इसको हम, 5 और 10 15, 15 15 30, 30 10 45, ठीक है 45, 40, और ये हमारा 30 हो गया। इसके बाद अगर हम एवरेज प्रोडक्ट निकालना चाहें, एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे लेबर से। इसका मतलब 5 यूनिट शर्ट बन रही है, एक लेबर काम कर रहा है, तो औसत जो प्रोडक्शन है वो 5 का है। दूसरी कंडीशन में 7.5 हमारा औसत आएगा,
तीसरी कंडीशन में 10 हमारा एवरेज आएगा, चौथी कंडीशन में 4-10 हमारा एवरेज आएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। इसके अलावा 5 कंडीशन की बात करें तो 9 ये आएगा, 5 लीवर है ना, तो 9×5=45 होते हैं, ठीक है, 6×42 3×6×5=30। इस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है बच्चों, आप देख भी सकते हो, ये हमारा 5.7 आएगा, और इसको भी आप निकाल लीजिएगा, 8×3=24, लगभग इतना करीब आ जाएगा। ओके बच्चों, तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि अब हम चाहें तो इसके बेस पर हम एक आपको डायग्राम भी बना देते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम आपको कंसेप्ट को अपने को आगे लेके चलेंगे। तो मैं इस टेबल को यहाँ ले लेता हूँ सिंपल तरीके से, और डायग्राम हम समझाते हैं आप बच्चों को। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहे तो हम एक ही साथ दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम टीपी की बात करें, तो टीपी जो है वो, अगर हम मान लीजिए इसको तीन लाइन बना लें, हम सिंपल तरीके से तीन लाइन स्टेजेस नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ लाइन बना रहे हैं। एक मिनट बैठा, देखिए हम स्टेजेस की बात करेंगे तो बड़ी कन्फ्लिक्ट है। ये मान लीजिए हम एक लाइन बना रहे हैं, और ये दूसरी लाइन है। ओके बच्चों, सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाएं टीपी का, तो टीपी देखिए, ये वाली जो तीन लाइन, ये इस स्टेज तक ये इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा, क्योंकि टीपी जैसे इंक्रीज, सॉरी ये वाला टीपी की बात कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो एमपी होता है वो रेट होता है। इसका मतलब यहां से इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा, इसको बोलते हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज भी कर रहा है और रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में आके, या आप कह सकते हैं दूसरी लाइन पे आके, जो टीपी है वो बढ़ना जारी रखेगा, लेकिन बढ़ने की स्पीड घट जाएगी। इसका मतलब सेकेंड स्टेज तक आते आते इस तरीके से टीपी बनता है, ऐसा, इसको बोलते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और ऐसे गिर जाएगा। तो यानी कि ये हमारा टीपी का डायग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। एमपी जो है वो इस लाइन तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद गिरना शुरू करेगा, और सेकंड यहां से नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें एपी की, तो एपी देखिए इस लाइन तक बढ़ता है, और यहां पे इसे कट करेगा, और ये हमारा एपी हो जाएगा। अब बच्चों, कंफ्यूजन कई बार ये होती है कि ये हमारी तो थर्ड स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है, लेकिन फर्स्ट स्टेज कहां है? अब कुछ लोगों का मानना है कि फर्स्ट स्टेज वहां होती है जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, और कई अर्थ इकोनॉमिक बुक्स में आपको दिखेगा कि जहां पर एपी और एमपी इक्वल है वहां पर फर्स्ट स्टेज बनाई गई है। तो बच्चों, बेसिकली स्टेज बनाने का जो, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, स्टेज बनाने का जो बेस है वो हमारा एमपी है, क्योंकि जब तक एमपी बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये वाली जो है ये फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी, और एमपी जब फॉल कर रहा है तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ओके बच्चों, और थर्ड स्टेज में क्योंकि एमपी नेगेटिव होता चला जा रहा है, इसलिए बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। तो मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई, लेकिन कुछ बुक्स में आपको यहां पे भी फर्स्ट स्टेज देखने को मिलेगी। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है, ये आप अपने विवेक और बुद्धि से आप फैसला लीजिएगा, ठीक है। ये वाली फर्स्ट स्टेज बताते हैं, कई बुक्स में इसको भी फर्स्ट स्टेज बताया गया है।
तो बच्चों हम अगर इसको बात करें तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को फर्स्ट स्टेज मानूंगा, इसको सेकंड स्टेज बीच वाले हिस्से को, और थर्ड स्टेज को इसको मानूंगा। इसी तरीके से मैं अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पे बच्चों हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर हम क्या करते हैं, एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और बाकी के फैक्टर को कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो इससे हमारे प्रोडक्शन पर जो असर पड़ेगा उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब सिंपल हुआ कि हमने क्या किया, कैपिटल को तो फिक्स माना, मशीन हमने फिक्स मानी, केवल लेबर को बढ़ाया। तो लेबर को बढ़ाने से, कैपिटल को फिक्स मानने से जो प्रोपोर्शन है लेबर और कैपिटल का, वो चेंज हो गया, और इस प्रोपोर्शन के चेंज होने से जो प्रोडक्शन में जो चेंज आया उसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो सिंपल वर्डों में हमने यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इन स्टेट दैट वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज कीपिंग अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट इन द शॉर्ट रन, टोटल प्रोडक्टिविटी इनिशियल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि अगर हम कैपिटल को फिक्स रख के लेबर को बढ़ाते हैं तो शुरुआत में जो टीपी है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद फॉल कर जाता है। इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी तीन स्टेजेस हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया हम तीन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, ठीक है, यहाँ पे जैसे इस वाले डायग्राम में क्या हुआ है, ये वाली स्टेज को पूरी की पूरी को फर्स्ट स्टेज दिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब कई वाले डायग्राम में आपको ये वाली फर्स्ट स्टेज दिखेगी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट तो है ही। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम जो मैंने जहाँ से डायग्राम लिया, उन्होंने इस पूरी की पूरी रेंज को फर्स्ट स्टेज माना हुआ है, ओके। लेकिन हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से करा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट से, जैसा कि यहाँ पे देखिए टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, ये वाले में जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा मोड़ का बिंदु, एमपी इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम हो जाएगा और एपी इंक्रीज करेगा, देखिए एपी एमपी इंक्रीज कर रहा है और एमपी इंक्रीज करते करते यहां पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, एपी इंक्रीज कर रहा है इस स्टेज तक और टीपी इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। तो यही बातें बताने की कोशिश की गई है। सेकंड स्टेज में क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेज में भी देख लीजिए, सेकंड स्टेज में जो टीपी है वो इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट, यहां पे कांस्टेंट होके ये वाला इस तरीके से बना लेगा, एमपी जो है वो गिरना शुरू कर देगा और गिरते 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 ये बिल्कुल जाके जीरो पे आ जाएगा सेकंड स्टेज में, इस पॉइंट पे आ गया। एपी पहले बढ़ेगा और इसको इंटरसेक्शन करेगा और ये गिरना शुरू कर देगा, तो ये आपका एपी का डायग्राम हो गया सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होगा, टीपी भी गिरेगा, एपी भी गिरेगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये तीन स्टेजेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, टेबल के थ्रू आप बना लेना, डायग्राम के थ्रू आप बना लेना। अगर हम बात करें बच्चों एजम्पशंस की, तो कुछ एजम्पशंस हैं इस पूरे के पूरे थ्योरी में, वो एजम्पशंस हैं मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप बच्चों से। सबसे पहला तो शॉर्ट रन आप याद रखिएगा, ये लॉ जो है वो केवल शॉर्ट रन में ही अप्लाई होगा, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कैन बी यूज विद फिक्स फैक्टर, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल के साथ एक ही लेबर चलेगा, आप एक कैपिटल के साथ दो लेबर भी चला सकते हो, एक कैपिटल के साथ तीन लेबर भी चला सकते हो। यानी कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में लेबर और कैपिटल का यूज आप कर सकते हो। लॉ अप्लाई टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि फील्ड ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि ये वाला जो लॉ है ये केवल प्रोडक्शन के एरिया में लागू होगा, कंजम्पशन की फील्ड में लागू नहीं होगा। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज होमोजीनियस, यानी कि सारे के सारे फैक्टर जो है वो होमोजीनियस है और होमोजीनियस के साथ साथ वो इक्वली एफिशिएंट है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इक्वली एफिशिएंट है और होमोजीनियस है। इसके अलावा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम जो मान के चल रहे हैं कि हमारी एजम्पशंस है, फैक्टर आर होमोजीनियस इक्वली एफिशिएंट, यानी कि जो भी लेबर आप लगा रहे हो वो लेबर जो है वो इक्वली एफिशिएंट है। इक्वली एफिशिएंट होने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, क्योंकि लेबर तो इक्वली एफिशिएंट है लेकिन मशीन तो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मैं आपको समझाने की बच्चों आने वाले वक्त में कोशिश भी करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेज सबसे आइडियल है, तो देखिए डायग्राम के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम हमने आपको बताया था कौन सी स्टेज आइडियल है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज इज गुड बट नॉट आइडियल। आइडियल क्या, देखिए आइडियल वो होता है जैसे हम कंजम्पशन के एरिया में लें, तो कंजम्पशन के एरिया में हम देखेंगे कि ये हमारी ये वाला हिस्सा आइडियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स होता है तब जाके हमें आइडियल कंडीशन मिलती है। इसी तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है कंजम्पशन के एरिया में,
तब जाके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रोडक्शन के एरिया में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगा जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां पर आप कह सकते हो एक तरीके से जहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज आइडियल नहीं है, क्योंकि इस केस में अभी भी संभावना बनी हुई है कि अगर आप लेबर को बढ़ाते हो तो आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेज आइडियल नहीं है। थर्ड स्टेज तो आइडियल आपको दिखने से ही लग रही है। इसका मतलब आपने ओवर लेवल लगा लिया, इतना लेवल लगा लिया कि आपका प्रोडक्शन बढ़ने की जगह गिरेगा। तो अगर हम आइडियल स्टेज की बात करें तो आइडियल स्टेज या ऑप्टिमम स्टेज सेकंड स्टेज कहलाती है, जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, सॉरी टीपी मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर हम ये बात करें तो दिस इज द आइडियल स्टेज। ये देखिए, ये आइडियल स्टेज है, ये हमारे भारत का झंडा भी आ गया, और ये वाला स्टेज आइडियल है क्योंकि इस स्टेज में एमपी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप चाहते हो लेबर को बढ़ाना तो आपका प्रोडक्शन घटेगा बढ़ेगा नहीं। यानी कि आइडियल स्टेज वो कहलाएगी जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टीपी होगा, और एमपी जो होगा वो जीरो होगा। तो इस तरीके से बच्चों आइडियल स्टेज के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात करें बच्चों आइडियल स्टेज के बाद कि क्या क्या हमारे क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पोस्टपोन करना असंभव है। यानी कि हाँ, इसको एक तरीके से पोस्टपोन किया जा सकता है, सॉरी, लेकिन मतलब पोस्टपोन, एक मिनट बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी पोस्टपोन्डेड, यानी कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि इसको अवॉइड नहीं किया सकता। देखिए इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास सपोज कीजिए लैंड का एक टुकड़ा है, तो आप जितने मर्जी लेबर बढ़ा लो आपका प्रोडक्शन हमेशा नहीं बढ़ेगा। यानी कि एक लिमिट के बाद मान लीजिए 10 लिमिट आ गई, उसके बाद आपका प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि एक लिमिट के बाद जब आपने 10 लेबर लगा लिए, उसके बाद या तो आप लैंड को बढ़ाओ नहीं तो आपका प्रोडक्शन गिरेगा। अगर मान लो आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लेते हो तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अनलिमिटेड लेबर को लगा लो। हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के बाद आप 15 लेबरों को लगा सको, यानी कि इट कैन बी पोस्टपोन्डेड 10 to 15 बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो प्रोडक्शन के एरिया में सभी जगह लागू होता है। इसका मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप लेबर को बढ़ाते हो और कैपिटल को नहीं बढ़ाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। मान लीजिए ये टेलीविजन है, ये टीवी है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है, और हम क्या करते हैं, एक टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100% मेरे पास ये टीवी अवेलेबल है, मैं जब चाहे तब वीडियो बनाऊँ अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर मान लीजिए दो टीचर हो जाएंगे तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ेगा। हो सकता है पॉजिटिव पड़े, हो सकता है नेगेटिव पड़े। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, तीन दिन मैं वीडियो बना लेता हूँ, 3 दिन मैं किसी और को वीडियो बनाने के लिए दे देता हूँ। इसका मतलब जिन 3 दिन मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ उस दिन मैं अपना जो लैपटॉप पे या जो पीपीटी वगैरह बनाने का काम है मैं वो कर लेता हूँ। अब मान लीजिए 10 टीचर हो जाएं तो डेफिनेटली हमारी एक लिमिट तक तो देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद प्रोडक्टिविटी घटना शुरू हो जाएगी। यानी कि या तो हमें टीवी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या लेबर की संख्या को घटाना पड़ेगा अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आना है। तो बच्चों सिंपल कहने का मतलब यह है कि लॉ को पोस्टपोन आप कर सकते हो लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए कुछ रिलेशनशिप भी हम समझ लेते हैं। टीपी एपी में रिलेशन, एपी एमपी में रिलेशन। मैं काम करता हूं ये डिलीट कर देता हूं टेबल और आपको डायग्राम के थ्रू ही रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम बात कर रहे हैं टीपी और एमपी में रिलेशन। तो सबसे पहला रिलेशन आप देखिएगा कि व्हेन एमपी राइज, मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन एमपी फॉर इंक्रीज। देखिए ये एमपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, इस तरीके से। यानी कि टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। दूसरा, जब मान लीजिए कांस्टेंट हो जाता है तो आप देखेंगे कि टीपी भी कांस्टेंट हो जाएगा बट कांस्टेंट उसका रेट होगा, यानी कि इंक्रीज तो करेगा बट कांस्टेंट रेट से।
अगर मान लीजिए एमपी फॉल करता है तो टीपी जो है इट विल इंक्रीज बट कॉन्स्टेंट रेट से, बट डिमिनिशिंग रेट से। और अगर एमपी जीरो हो जाता है, एमपी जीरो हो जाता है, जैसे कि यहां पे एमपी जीरो है, तो टीपी विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब अगर एमपी बढ़ता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, एमपी अगर घटता है तो टीपी घटती रेट से बढ़ेगा, एमपी अगर कांस्टेंट रहता है तो टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, एमपी जीरो हो जाता है तो टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी फॉल करना शुरू कर देगा। यही बच्चों रिलेशन है टीपी और एमपी के बीच में। बात करें हम अगर एपी और एमपी के रिलेशनशिप की, तो देखिए पहला रिलेशन ये है कि अगर एमपी राइज करता है, जैसे कि यहां पे देखिए एमपी राइज कर रहा है, तो एपी भी राइज करेगा, और एमपी जो होगा वो एपी से ज्यादा होगा। यानी कि अगर एमपी राइज करता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी भी बोलते हैं इसको, तो एपी भी राइज करेगा, लेकिन एमपी जो होगा मार्जिनल प्रोडक्ट वो एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से एमपी कांस्टेंट रहता, तो आप देखेंगे कि एपी भी कांस्टेंट रहता और एमपी और एपी दोनों बराबर बराबर होते। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आप ये बोल सकते हो कि अगर एमपी फॉल करता है तो एपी भी फॉल करेगा, और एमपी जो होगा वो स्मॉलर होगा एपी से। चौथा आप ये बोल सकते हो कि एमपी और एपी दोनों के दोनों टीपी से कैलकुलेट करते होते हैं, दोनों ही के दोनों टीपी से कैलकुलेट किए जाते हैं, कि एमपी भी टीपी से कैलकुलेट होता है और एपी भी टीपी से कैलकुलेट होता है। एक बात और बच्चों आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये वाली, मैं आपको ये शेडेड एरिया बना देता हूं दिस वन, और इसके ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं इस ट्रायंगुलर के बीच में से। आपको याद रखना है कि यह भी संभव है कि एमपी गिर रहा हो लेकिन एपी बढ़ रहा हो। आप याद रखिएगा एमपी एपी के बीच के रिलेशन में यह भी पॉसिबल है, यानी कि हर परिस्थिति में ये रूल लागू नहीं होता कि एपी गिर रहा है तो एमपी भी गिर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एमपी गिर रहा हो और एपी बढ़ रहा हो, और जिस स्टेज में एपी मैक्सिमम होता है उस स्टेज पर एमपी एपी को इंटरसेक्ट करता है। बेसिकली आपको ये रिलेशन याद रखने, जैसा कि यहाँ पे बच्चों लिखा भी है, आप चाहो तो इनको देख भी लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर की, यानी कि हम समझेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों लागू होता है और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की, यानी कि आखिरकार शुरुआत में एमपी क्यों इंक्रीज करता है। तो सबसे पहली वजह है बच्चों फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए मेरे पास एक टीबी है, दिस वन इज यही मान लो, और आप इसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप लेबर को बढ़ा दो, मान लीजिए मेरे पास हर समय, तो आप क्योंकि देखिए पीछे का काम बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम, नहीं तो मुझे लगता है कि 2 घंटे का पीछे का वर्क होता है। जब तक 2 घंटे का पीछे का वर्क है तब तक तो ये टीवी खाली पड़ा हुआ है। इस केस का मतलब है कि ये जो टीवी है, या आप स्मार्ट बोर्ड बोल सकते हो, ये अंडर यूटिलाइज्ड है। उस अंडर यूटिलाइजेशन के समय अगर आप लेबर को बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि यूटिलाइजेशन होगा। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति टैक्सी लेता है और वो दिन में टैक्सी चलाता है, रात को टैक्सी खड़ी रहती है, अगर मान लीजिए उसके एक और फ्रेंड मिल जाते हैं और दो मिलकर टैक्सी लेते हैं, एक दिन में टैक्सी चलाता है एक रात को टैक्सी चलाता है, तो टैक्सी का फुल यूटिलाइजेशन होगा, और उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो पहली वजह बताई बच्चों, पहली वजह बताई कि अगर कोई रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड है, और उस केस में अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो लेबर बढ़ाने के बाद, तो आपका रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, और फुल यूटिलाइजेशन का इंपैक्ट ये होगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, लेबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं केवल वीडियो बनाने का काम करूं और ये जो बाकी के सारे काम है वो मैं किसी और को सौंप दूं, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर एफिशिएंसी आएगी, और जब ज़्यादा लेबर एफिशिएंस होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इंप्रूव करेगी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक तरीका है कि एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर मे बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्ट ट्रेंड टू बी राइज। इसके अलावा बच्चों बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा कि प्रोडक्शन जो है वो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है।
कई जगह आपको 3 लेबर की ही जरूरत होती है एक मशीन पर, एक मशीन पर एक लेबर काम कर ही नहीं सकता। अगर आप एक मशीन पर एक लेबर को काम करा रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन बेकार है, और अगर आप लेबर को बढ़ाते हो तो कैपिटल का और लेबर का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगा, और इस इंप्रूवमेंट की वजह से आप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर देखने को मिलोगे। इसके अलावा बात करें बच्चों हम कि आखिरकार हमारा फिक्स डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों लागू होता है, यानी कि आखिरकार हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती क्यों है। तो सबसे पहली वजह है बच्चों फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर, यानी कि हम क्या करते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो तो बदलता है लेकिन फिक्स फैक्टर सेम है। यानी कि एक ही टीवी है, 50 लोग काम कर नहीं सकते, एक ऑप्टिमम लेवल आएगा, उसके बाद अगर आप लेबर को बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन गिरेगा। ये बेसिकली बात है, यानी कि जो हमारा कैपिटल है वो फिक्स है। अगर मान लीजिए लेबर के साथ साथ कैपिटल भी बदलता तो हमारे प्रोडक्शन कभी गिरेगा ही नहीं। प्रोडक्शन इसलिए ये मैंने गलत बोला, प्रोडक्शन कभी गिरेगा ही नहीं, प्रोडक्शन की गिर भी सकता है, और कई सारे फैक्टर है लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन अगर गिरता है अगर आप लेबर को बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है। इसके अलावा जो पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, देखिए एक ऑप्टिमम लिमिट होता है, अगर मान लीजिए एक कैपिटल को 3 लेबर की जरूरत है तो अगर आप 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, 6 लगाओगे, 7 लगाओगे तो फैक्टर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा और एक कन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का, कि लैंड का जो काम है वो लेबर नहीं कर सकता, मशीन का काम लेबर नहीं कर सकता। मान लीजिए क्रेन एक ले लिया आपने और क्रेन पर 50 लोग चढ़ा दोगे तो ये मत सोचना कि मशीन का जो काम है, क्रेन का जो काम है वो लेबर कर लेगा। लेबर का काम लेबर करेगा, क्रेन का काम क्रेन करेगा। तो जो फिक्स फैक्टर होते हैं और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं दे आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। फिक्स फैक्टर की भी जरूरत है, वेरिएबल फैक्टर की भी जरूरत है, लेकिन दे आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। और क्योंकि वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं इसीलिए अगर आप लेबर को बढ़ाते हो और कैपिटल को नहीं बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्शन में गिरना बिल्कुल पूरी तरीके से संभव है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई भी होगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।